सोयाबीन की कीमतों में निचले स्तरों पर सुधार देखने को मिला है। दरअसल सोयाबीन तेल के ऊंचे दामों पर खरीदारी न होने के चलते और विदेशी तेल बाजारों में मंदी का माहौल रहने के कारण स्थानीय बाजार छुटपुट प्रभावित होते दिखाई दिए हैं। शुक्रवार को सोया तेल इंदौर 10 रुपए घटकर 1215 से 1220 रुपए, जबकि पाम तेल इंदौर 995 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया। दरअसल बाजार को सही दिशा यूएसडीए की रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगी। उधर देश भर में सोयाबीन की आवक धीरे धीरे घटने लगी है, जबकि प्लांटों की डिमांड अच्छी रहने से शुक्रवार को कई प्लांटों द्वारा खरीदारी के भाव बढ़ाकर बोले गए। सोयाबीन में करीब 50 से 75 रुपए की तेजी रही। वहीं प्लांट खरीदी भाव नीचे में 5450 तो ऊपर में 5650 रुपए प्रति क्विंटल तक देखने को मिले। इंदौर की छावनी मंडी में भी सोयाबीन 5600 रुपए और एवरेज 4800 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल तक देखने को मिली है। वहीं उम्मीद से बेहतर साप्ताहिक निर्यात के कारण भी सीबोर्ड सोयाबीन बढ़त के साथ कारोबार करता दिखाई दिया है। साप्ताहिक सोयाबीन निर्यात कुल 17,46,000 टन हुआ है, जबकि बाजार को 6 से 14,50,000 टन के बीच निर्यात की उम्मीद थी। दरअसल यूएसडीए ने चीन और अज्ञात गंतव्यों को 8,36,000 टन सोयाबीन की ताजा बिक्री की सूचना दी है। सीबोट ने ब्राजील का सोयाबीन उत्पादन 153,54,000 से घटकर 153,48,000 मिलियन टन कर दिया गया है। बाजार की सही दिशा फिलहाल यूएसडी की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी, लेकिन फिलहाल देश के अंदर सोयाबीन की आवकें घटने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।